दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। और इस समय आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग अधिकारी की तरफ से जो है बलरामपुर जिले से जो है टीचर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। लगभग जो अब धीरे धीरे जो है सभी पदों पर जो है विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये विज्ञापन जो है ये कहाँ से निकाला गया, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय होते हैं, जैसे आपका जो है सुखोई कला हो गया, बिशनपुर मछराम हो गया, बालापुर हो गया, यहाँ पर जो कहना मतलब क्या, ये जो है कस्बे होंगे, ब्लॉक होंगे, वहाँ पर जो है ये भर्ती वो निकाली गई है। इसके अंदर गेस्ट टीचर की भर्ती है। ये सैलरी आप उन्हें देखा ही होगा, जितने भी उन्नाव से भर्ती आई थी, अलीगढ़ से भर्ती आई थी, तो उसमें सैलरी आपको जो है 45,000 पर मंथ मिलती है और टीजीटी वालों को सैलरी 42,000 मिलती है। केवल कुछ नहीं चाहिए, बीए बीएड होना चाहिए आपके, टीजीटी के लिए बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड है ना, और पीजीटी के लिए केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए या एमएससी और प्लस बीएड, बस सैलरी आपको 45,000 मिलेगी। इसमें रेजिडेंशियल स्कूल है ये, तो जो है ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है बिशनपुर विश्राम बलरामपुर यहाँ से भर्ती आ चुकी है। केवल इसमें केवल और केवल इसमें अंग्रेजी का पद है, विज्ञान का पद है, साथ में जो है ये आपने देखा होगा ये सारे के सारे पद इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये जो है लगभग जो है अब धीरे धीरे सभी पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बालापुर से भर्ती आ चुकी है, ये इसमें योग्यता दे रखी है, इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो है कंप्यूटर के हैं, गणित के हैं, ये पद हैं, इसमें ये क्वालिफिकेशन है। फार्म भरने से पहले पहले प्लीज़ इसके इंस्ट्रक्शन जो है दिशा निर्देश पढ़ लीजिएगा। 21 साल से लेकर 60 साल तक इसमें उम्र इसमें जो है बताई गई है। और यहाँ पर भी आप ये इसमें योग्यता देख सकते हैं ये जो है। और जो है आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं UP SSSC सर भर्ती कब तक आएगी, तो जो है आपने जो है PET पैट 2023 दिया हुआ, तो बच्चों कमेंट आ रहे थे सर एक बार बताइएगा भर्ती जो आएगी वो लगभग जो है कब आएगी और कितने पदों पर होगी भर्तियां। तो मैं ये लिस्ट आपको दिखाना चाहूँगा, राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती आएगी, इसके बाद मंडी परिषद संवर्ग एक ये नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है ना, समृद्ध तकनीकी हो गया, इसमें UPANM हो गया, ये साथ में जो राजस्व इसमें जो राजस्व विभाग जूनियर असिस्टेंट का हो गया, वन रक्षक का हो गया, ये तो इतने जो है पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसमें जारी किया जाएगा। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर एक बात बताइए, आपने बताया कि जो है चपरासी भर्ती निकाली गई, तो कहाँ निकाली गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, चपरासी भर्ती है ये। और ये आपको भर्तियाँ कहाँ मिलेंगी, मैंने आपको बोला एक बार बस केवल जो है आप सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाइएगा, वहीं से जाके ये वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं है ना, तो बिना उसके पोर्टल के फॉर्म ये वाला नहीं भरा जाएगा। नंबर 3 और नंबर 4 ये दो वैकेंसी निकाली गई हैं, और ये जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है, और ये कासगंज से भर्ती और ये हाथरस से भर्ती है ये। तो आपने देखा होगा कि ये जो है इसमें चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया है कि यहाँ पर जो है ये दो जिलों से भर्ती आ चुकी है। और हाँ, थंबनेल में लिखा हुआ जो संविदा चपरासी भर्ती है उसकी अंतिम तिथि जो है 3 अक्टूबर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 3 अक्टूबर जो है अंतिम तिथि है ये, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम, ए लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। ठीक है, तो आपने यदि कोई फॉर्म अगर नहीं भरा तो भर दीजिएगा है ना, इसमें चौकीदार, चपरासी और सफाई कर्मचारी, तो इसके अंदर फॉर्म आप ही भर दीजिए। सैलरी इसमें आपको जो है 11,049 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी। 3 अक्टूबर इसमें अंतिम तिथि बताई गई है। बहुत से सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं सर हमारी सैलरी जो है 11,049 रुपये मिलेगी या कटा के 9,000 रुपये मिलेगी, तो मैंने आपको दिखाया कि 13,000 रुपये आपकी अप्रॉक्स सैलरी बैठ रही है। जब 13,000 रुपये बैठ रही तभी तो कटा के आपको 9,000 रुपये 9,500 रुपये सैलरी मिलेगी, जब वो ऑलरेडी जब 11,000 रुपये दे ही रहे हैं तो उसमें क्या कट करेंगे, वो लगभग मान के चलिएगा 10,000 के आसपास, 10-11,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें बैठेगी लगभग जो है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 3 अक्टूबर है, इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें जो है 12th क्लास पास मांगा गया है ये। और जो है पदनाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पदनाम यहाँ पे जो है ये दे रखा है ये प्योन। और जो है सैलरी जो इतने से कम आपको नहीं मिलने वाली, ये देख लीजिए यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है इसमें 11,000 रुपये से इसमें जो है ये, और हाथरस भर्ती है ये। और जो है मैं आपको सैलरी के बारे में और आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, उन्नाव जिले से जब भर्ती आई थी इंटरमीडिएट मांगा गया था, और 18-40 वर्ष में एज लिमिट है, चपरासी भर्ती थी, तो यहाँ सैलरी कितनी थी,
तब उस समय आपकी सैलरी यहाँ पे जो है कुल सैलरी आपको 13,072 रुपये दिखा रहे हैं, तो आपको कट कटा के इसमें जो है 9,530 रुपये दिखा रहे हैं, जब इसमें ऑलरेडी जब 11,000 रुपये सैलरी जब दिखा रहे हैं तो 11,000 से कम मिलने वाली तो है नहीं। ठीक है, रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पर देख सकते 13,000 सैलरी थी तब आपको इसमें इतने कट कटा के मिलते थे। ठीक है, तो अप्रोक्स जो मेरी वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा 11,000 रुपये अप्रोक्स सैलरी इसमें बैठेगी नई वाली जो इसमें चल रही 3 अक्टूबर इसमें लास्ट डेट है ये फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म भरने अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें जो है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश आया था, तो यहाँ पर ये शिक्षक के लिए भी आया था, उसके लिए भी आया था, तो ये लेटर सबसे पहले मैंने ही लेकर आया था, उसके बाद सभी यूट्यूबर हैं वो उन्होंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया गया है राजकीय और माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत लिपिक भर्ती के लिए बोला गया है। यहाँ पर जो है ये सरकारी भर्ती कराई जाएगी, संविदा पर भर्ती नहीं होगी। ठीक है, इसके सामने भी लिखा हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा तब भर्ती होगी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती सरकारी करेगा। पर यहाँ पे एक चीज, समूह ग के पदों पर जो परिचारक है यहाँ पे इसके सामने रहेगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियाँ। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी भर्ती चल रही है, संविदा पर भर्ती चल रही है। अब भर्ती सरकार की मंशा क्या है, वोट बैंक को अपने मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि सरकारी चपरासी भर्ती कर दी जाए। फिलहाल तो यहाँ पर जो इसमें जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, आउटसोर्सिंग के माध्यम चपरासी भर्ती के लिए बोला गया है। 22,000 पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें जो है अभी चल रही है, लखनऊ आ गया, उन्नाव हो गया, हर जगह हाथरस, एटा, इटावा, अलीगढ़, हर जगह से भर्ती हो रही है। इंटरव्यू की तिथियाँ भी घोषित हो चुकी हैं, 15 इसमें जो है अब 3-4 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएंगी इसमें इंटरव्यू होना। और जैसा कि आपने देख ही लिया हुआ कि यहाँ आगरा के अंतर्गत क्लर्क भर्ती का जो विज्ञापन था वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, अभी अंतिम तिथि है आपके पास, शाम तक फॉर्म इसके अंदर आप ये भर सकते हैं। भर्ती जो है ये यहाँ पर आगरा जनपद से आई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, सैलरी इसमें 16,172 रुपये सैलरी है, फॉर्म भर दीजिएगा, अभी अंतिम तिथि इसमें 12:00 बजे तक स्टार्ट रहेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है, सर मैं कमेंट के बारे में बात करूँगा, सर माली की जॉब सही शो नहीं हो रही है, मेरा भी, मेरे पास माली का सर्टिफिकेट भी है। तो भैया अगर सर्टिफिकेट है तो ये वाला फॉर्म आप भर दीजिएगा, माली की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका था। सर बनारस में एडिट कॉलेज के अंतर्गत भर्ती कब तक आएगी, मैंने बोला कि अब थोड़ा सब्र रखिएगा, अब हर जिले से भर्ती आ रही, कासगंज, हाथरस है ना, अलीगढ़, एटा, मैनपुर, इटावा, फरकाबाद, सब जगह से भर्ती आ रही है। ठीक है, मेरे कुछ ओल्ड वीडियो में भी कमेंट आते रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं PDF का लिंक, जो UPPCL कब हो, UPPCL की भर्ती आने वाली है, फॉर्म इसका ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ही होगी। आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती को कैसे पहचाने, देखो भैया संविदा की भर्ती अगर होगी तो उसको जो है 12 महीने की सैलरी जो है मिलती है संविदा वालों को। ठीक है, और जो है क्योंकि और वो जो है वही आउटसोर्सिंग, अगर डेली अगर आउटसोर्सिंग अगर होंगी तो वो डेली बेसिस होगा, मतलब उसमें संडे के रुपए भी कट जाते हैं, और छुट्टियां अगर होती हैं जैसे आज ईद मिलाद है तो आज के दिन अगर काम नहीं करोगे तो आज की सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, वही आउटसोर्सिंग इसमें संविदा होती है। तो इसके अंतर्गत आप ही देख सकते हैं। हाँ, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं सब्सक्राइबर्स हो, कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर एक मतलब जो ब्लॉग भी बनाइएगा, ब्लॉग बना कर डालिएगा, तो ब्लॉग आपको कैसा लगेगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आपका अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं ब्लॉग भी बनाया करूँगा। ठीक है, जिस तरीके से और ब्लॉगर होते हैं अगर आप देखेंगे तो मैं ब्लॉग भी बना देगा। 2-4 बच्चों कमेंट आए तो मैंने सोचा पहले पूछूंगा, उसके बाद ही मैं ब्लॉग बनाऊंगा, अन्यथा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरी प्लस। थैंक यू वेरी मच।